शुक्रवार को समस्त जिला के चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मचारी ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिले और अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के बाद 1098 सेवा पहले केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई जा रही थी, अब ये सेवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। अतः कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि 31 अगस्त को सेवा समाप्ति हेतु पत्र सभी जिलों की टीमों को प्राप्त हो चुके हैं। अतः इस हेतु समस्त चाइल्ड हेल्पलाइन स्टाफ पूरे हिमाचल प्रदेश से अपनी मांगों हेतु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। वो उनसे आग्रह किया कि इतने सालों से काम कर रही टीम का ही 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा में अधिग्रहण किया जाए। नमस्कार सबको, तो आवाज़ जनादेश की ओर से आपने हमारी आवाज़ को आज जो जनता के बीच में उठाने का जो बीड़ा लिया है, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी समस्त जो हिमाचल के चाइल्डलाइन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलने के लिए आए थे। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो ये चाइल्डलाइन की जो ये सेवा है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की सेवा है, जो पहले चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से चलाई जा रही थी और उसी के तहत हम यहाँ पे जो थे वो चाइल्ड लाइन में कार्यकर्ता थे। परंतु जैसा कि अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ये जो सेवा है ये अभी एक जो भी राज्य सरकारें हैं उनके माध्यम से चलाई जाएगी, तो हम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो पिछले 15, 16 या 17 सालों से इस सेवा में कार्यरत हैं। तो इस सेवा में हमने रहते हुए अब बच्चों को विभिन्न प्रकार के शोषणों से बचाया है, चाहे बाल मजदूरी का मुद्दा है, चाहे बाल यौन शोषण का मुद्दा है, बाल विवाह का मुद्दा है, या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो शेल्टर की जो सुविधा है वो दिलाने का काम है, या जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं उनको उन बच्चों को मेन स्ट्रीम करना, उनको शिक्षा से जोड़ना, या जो बच्चे स्लम एरिया में होते हैं उन बच्चों को दोबारा से जो है वो उनको उस स्थिति से बाहर ला के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, या जिस भी तरह का बच्चों से शोषण होता है उन बच्चों को शोषण से बचाना जो है चाइल्डलाइन का आज तक जो मुख्य काम रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जब इतने वर्षों से जो ये सरकार का एक कार्यक्रम है, उपक्रम है, जो ये चाइल्ड लाइन का प्रोजेक्ट है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की सेवा है, जब पिछले 15, 16, 17 सालों से, क्योंकि 96 से ये जो सेवा कार्यरत कर रही है, तो इतने वर्षों से जो लोग ये काम कर रहे हैं, यदि कल को हमने मुख्यमंत्री महोदय से यही बात रखी है कि यदि केंद्र सरकार ने अब ये पाले में फेंका है इसको राज्य सरकारों के, तो इतने वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं यदि उन्हें इस सेवा में मौका नहीं मिलता तो ये उनके भविष्य के एक भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाली बात है। क्योंकि पूर्व में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम जो भी सरकारों के माध्यम से चलाए गए हैं, और चाहे वो एनजीओ के माध्यम से चलाए गए या किसी भी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से चलाए गए, यदि वो कल को मर्ज हुए हैं तो उनका स्टाफ एज सच उसमें मर्ज हुआ है। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से ही गुहार लगाई है कि इतने वर्षों से जो एक जिसको कहते हैं कि दिन रात 24 घंटे सेवा दी है चाइल्डलाइन की टीम ने, दिन रात काम किया है, विभिन्न मुसीबतों का सामना करते हुए, चाहे अगर हम पैसे की बात करें, सैलरी की बात करें, तो एक एक साल तक लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। अभी इस वर्ष की भी अगर 2022-23 की अगर हम बात करें तो पिछले 10-11 महीनों से कर्मचारी बिना पैसे के काम पे जो है वो कार्यरत हैं। तो इस तरह से जिस तरीके से एक निस्वार्थ भाव से पूरे हिमाचल में या पूरे इंडिया में चाइल्डलाइन के जो वर्कर हैं उन्होंने सेवाएँ दी हैं, तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, आज जब हमारा यहाँ पर डेलीगेशन मिला है तो मुख्यमंत्री साहब ने हमारी बात को ध्यान से सुना है और उन्होंने फाइल को मार्क भी किया है कंसर्न सेक्रेट में, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी चाहे वो वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं या कि भाई किस तरीके से चाइल्ड लाइन ने काम किया है, क्योंकि हमने जो काम किया है वो जिस प्रकार से जो हमने मेहनत किया है और जिस प्रकार से बच्चों को हमने संरक्षित किया है, उनके साथ हमने दिन रात काम किया है, प्रशासन के साथ दिन रात काम किया है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो भी चाइल्ड लाइन के जो कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं उन्हीं को उसमें जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। जहां तक एक क्वालिफिकेशंस की बात है तो 15-16 सालों से या 8-10 वर्षों से जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जब उन्हें रखा गया था तो किसी प्रकार के क्वालिफिकेशंस की उसमें एक कंडीशन नहीं रखी गई थी, और इससे पूर्व में भी बहुत से विभागों में जब भी कर्मचारी इस प्रकार से रखे गए हैं, और यदि वो दोबारा से उनके लिए कोई ऐसी नीति बनती है जिसके माध्यम से उनको दोबारा किसी विभाग में मर्ज करना होता है,
तो उनको उस क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए एक समय दिया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है, चाहे वो 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। तो जो पिछले 10-12 या 8-10 या 15-16 वर्षों से काम कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो उस मुद्दे के ऊपर जो है वो सही ढंग से पकड़ भी रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइल्डलाइन के कार्यकर्ता वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में काम किया है, बाल संरक्षण को लेकर जितने मुद्दे को वो समझते हैं, वो शायद ही दूसरों के लिए अभी इतनी, मैं तो ये स्पष्ट कहूंगा कि टेढ़ी खीर होने के बाद ओवरेज हो गए अभी उसका। तो इसलिए मेरी सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी जो है वो संवेदनशील है, खासकर जैसे महोदय ने सुखाश्रय एक योजना चलाई है, और जो बच्चे अनाथ आश्रम में है या जो बाल देख रेख संस्थान में है, उनके लिए जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री महोदय की उदारता देखने को मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी तरह हमारे लिए भी उदार होंगे। क्योंकि मैं आपके लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा अपने सभी लोगों के माध्यम से, कि विभिन्न CCI में, चाहे वो शिमला का हो, चाहे पूरे हिमाचल में कहीं भी CCI है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लगभग 80% बच्चे ये वही बच्चे हैं जो चाइल्डलाइन की टीम ने रेस्क्यू किए हैं और उनको वहाँ पे आश्रय दिलवाया। इसलिए आज यदि जो आश्रय दिलवाने वाले लोग हैं, यदि वो निराश्रय हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतने वर्षों से जब किसी व्यक्ति ने किसी कार्यक्रम में काम किया है, तो वो उसके साथ अपने भविष्य को जोड़ के भी देखता है। तो इतना संघर्ष करने के बाद भी यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक बात होगी। परंतु हमें इसमें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जितनी बात हुई है, मुझे लगता है अभी जो हमारी फाइल है उसको वो स्टडी करेंगे, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं पिछले कुछ वर्षों से उसको वो ध्यान में रखते हुए, हमारी हिमाचल प्रदेश की समस्त जो भी चाइल्ड लाइंस हैं, जो भी 10 जिलों में काम कर रही हैं, उनको वो आगे उनकी सेवा जो है उनको विस्तार देंगे, उनको जो मर्ज करेंगे, उनकी सेवाओं को जो है वो सुचारू रूप से जो है वो ऐसे ही रहने देंगे। क्योंकि 31 अगस्त की जो है वो डेडलाइन है, 31 अगस्त की, क्योंकि 31 अगस्त की जो एक डेडलाइन है कि उसके बाद जो है वो ये हमारी हिमाचल की चाइल्डलाइन जो है वो उसका जो पूरा जो अब देख रेख है वो राज्य सरकार के माध्यम से होगा। तो हमारी पुनः पूरे हिमाचल के जो हमारे चाइल्डलाइन के वर्कर हैं, उनसे उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि कृपा करके आप वो हमारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, वो हमारे समर्पण को और वो हमारी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जो पिछले कुछ वर्षों में हमने सहन करी है, एक महिला उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेवाओं को जो है वो ऐसे ही सुचारू ढंग से चलने देंगे। और रही दूसरी बात, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत कम सैलरी में स्टाफ ने काम किया है, आज जब स्टाफ को ये लगता है कि उनका कहीं ना कहीं भविष्य एक संवरने वाली बात है, तो इसमें सरकारों को भी हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बात को सुनना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमारी सेवाओं को जो है वो ऐसे ही चलने देना चाहिए। और हमें अगर विभाग में मर्ज किया जाना है, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि समस्त चाइल्डलाइन जो भी हिमाचल की हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की है, क्योंकि हमें पता है कि चाइल्डलाइन ने बड़े ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, जब ना तो जिला बाल संरक्षण इकाई होती थी, ना CWC होती थी, बाल कल्याण समिति होती थी, तब जो बाल संरक्षण का जो ये कार्यभार था, ये चाइल्ड लाइन के ऊपर था, ये सारी चीज़ें बाद में आई हैं। तो बाल संरक्षण के मुद्दे को लेके जिस तरह से सेंसिटाइज चाइल्ड लाइन ने पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो सरकारों को चाहे जनता को किया है, ऐसा अभूतपूर्व कार्य पहले कभी नहीं हुआ है। तो ऐसे चाइल्ड लाइन वर्कर जिन्होंने बाल संरक्षण को लेके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिमाचल में पूरे दिलो जान से काम किया है, तो उनकी जो सेवाएं हैं वो आगे भी इसी तरह से सुचारू ढंग से जो है वो जारी रहनी चाहिए। मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री काफ़ी उदार हृदय वाले हैं,
वो हमारी बातों को समझेंगे भी। और जहाँ तक मुझे मैं अपनी ओर से उनसे एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि जो चाइल्डलाइन का जो काम है उसकी फीडबैक जो है कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जिला में एडमिनिस्ट्रेशन है, विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अलग अलग विभाग हैं वहाँ से ली जा सकती है कि किस तरीके से हमने दिन रात बच्चों के हित के लिए काम किया है। तो आज ओकओवर में यहाँ पे शिमला में हम लोग इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि भविष्य में जो भी ये मर्ज हो रहा है, जो ये सेवा मर्ज हो रही है राज्य सरकार में, उसमें हम चाइल्डलाइन वर्कर को ही जो है वो सेवा में जो है काम करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त हिमाचल के चाइल्डलाइन के वर्कर जो हैं उनकी ओर से मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, एक मैं आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा आपके कार्यकाल को लेकर के। कितना समय आपको कार्य करते हुए हो गया? जहाँ तक मेरा विषय है, मैंने 1 अप्रैल 2014 से एज अ चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो अपना जो है कार्यकाल शुरू किया था, और आज मुझे 9 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं जो मेरा कार्यकाल है ये 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर आपकी जो मांगे हैं, आपकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आगे आपका क्या रुख रहने वाला है और क्या कुछ आप आगे करने वाले हैं? सेक्रेटरी सुधा, जिस तरीके से मैं आपको सच कह दूँ, जिस तरीके से हमने दिन रात और जिस तन्मयता के साथ और जिस समर्पण के साथ, कई बार हमारे परिवार की जो ज़रूरतें थी वो बहुत पीछे रह गई, लेकिन हमने बच्चों के संरक्षण के लिए हमेशा अपना कंधा जो है वो आगे हम लोग लेके आए हैं, और जिस शिद्दत के साथ हमने ये काम किया है, यदि हमें इसमें मौका नहीं मिलता तो हम पहले तो सरकार से गुहार लगाएंगे, अन्यथा हमारे पास अंतिम मौका यही होगा कि हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। जी जी, क्योंकि यही हमारा फिर एक अंतिम जो है प्रयास है। तो देखिए दर्शकों, ये इस समय चाइल्ड हेल्पलाइन के जो कर्मी हैं उनका दर्द आपने उनके जुबानी सुना। आप देखते रहिए आवाज़ जनादेश। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लाइव स्ट्रीम में। नमस्कार। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।